आपको उन्हें नहीं बताना चाहिए था। ये कैसे नहीं बताना चाहिए था? जब उन्हें पता चलता तो वो तो खफा हो जाते ना। अरे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी वजह से कोई परेशानी हो, और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। वैसे भी यहाँ किसी भी चीज पर उनका कोई इख्तियार नहीं है। तुम उसकी बीवी हो, उसकी जिम्मेदारी हो। मैं इस घर में सिर्फ एक मुलाजिम हूँ, और अपनी ये हैसियत मैं बहुत पहले कबूल कर चुकी हूँ। आइंदा मेरे बारे में कोई भी बात आप उनको नहीं बताएंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अगर इस घर में किसी को भी पता चल गया तो सबको मुझे जलील करने का एक और मौका मिल जाएगा। प्लीज चले जाए यहाँ से। जानते हो रानिया की तकलीफ, दूसरों से हमदर्दी और इंसानियत का बुखार उतर जाए तो अपनों के बारे में भी सोच लेना। अदालत ने किए हुए जिरगे के फैसले का नोटिस ले लिया, जिसके तहत जाती तनाजे की बिना पर लड़की को वनी किया गया था। वनी की रस्म गैर कानूनी है, लेकिन मुल्क के कई हिस्सों में इसे अभी भी रिवाज माना जाता है। आपको जो सामान लिखकर दिया था आप ले आए हैं? अरे मैं भूल ही गया अभी, चलो राहिल से कहता हूँ, वो ले आएगा। राहिल बेटा, अरे इससे क्या हो गया? ये जाना किस तरह? क्या हुआ इसे? पता नहीं। ये इनकम टैक्स के चक्कर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सर आपको पहले टेंशन होने दी। तो गुफ्ता कहाँ है? वो रानिया के साथ हॉस्पिटल गई हैं। सईदा से कहो चाय बना के लाए। वो भी उनके साथ गई हैं, मैं बना देती हूँ चाय।